स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के व्लॉग में मेरे यूट्यूब चैनल मैथिलीज लाइफ पर। देखिए अभी मैं हूँ नई दिल्ली में और बस एक चुटके बजाते ही मैं टेलीपोर्ट करने वाली हूँ जर्मनी में। 3, 2, 1 ये हम लोग पहुंच चुके हैं जर्मनी। क्या आपको लगा, ऐसा विश्वास हो रहा था आप लोग को ऐसे हो सकता है 3, 2, 1 करते कोई कहीं से कहीं जा सकता है? देखिए कितना अच्छा मजाक किया मैंने आप सभी लोगों के साथ, माफ़ करिए। लेकिन इतना इजी था नहीं, हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लोग का वीज़ा इतनी जल्दी बन पाएगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी। और बस 4 या 5 दिन के अंदर अंदर सारा ये पेपर वर्क हो गया, डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट हुआ और हम लोग को वीज़ा मिला, टिकट हो गया, ये सब हो गया, मतलब हम लोग आ गए फटाफट बस। तो बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हुई हैं कि क्या क्या करेंगे यहाँ पे। 10 दिन का स्टे है हमारा, तो 10 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ कैसे करना है। उसमें भी 5 दिन जो है वो सनी का क्वारंटीन है, क्योंकि वो माइनर होने की वजह से उसको उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके वजह से हम लोग भी 5 दिन ज़्यादा घूम घाम नहीं करेंगे, हम लोग एक ही जगह रहेंगे। और दिल्ली से जर्मनी तक का हमारे ये 13-14 घंटे का सफ़र कैसा रहा ये देखने के लिए ब्लॉग को कंटिन्यू आगे तक देखते रहिए। सब लोगों ने अपने अपने जूते खरीदे, पापा मेरे लिए भी खरीद रहे थे लेकिन मैंने नहीं खरीदा कि मैं जर्मनी में खरीदूंगी। हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। यस हाँ, तो गाड़ी लेके किधर जल्दी गाड़ी चला। मेरा साइड में चलो, सारा डॉक्यूमेंट हाथ में। बाप रे, मेरे को इतना नर्वसनेस हो रहा है ना, इतना सारा डॉक्यूमेंट। इट्स लाइक अ ड्रीम, आई ड्रीम पीटर पैन फॉर यू। सब खा ले यहाँ से, वहाँ नहीं मिलेगा इसे। आप क्या खाओगे हमें जो तुम खाओगे? मैं तो खाऊंगा एक कढ़ाई पनीर करते हैं, ठीक है, ऊपर से रोटी, ठीक है। हाँ नहीं, तुम जाके ऑर्डर करो। तो ये बस थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू होने वाला है, उसके बाद 11 तो बस अब अनाउंसमेंट भी हो गया है, अब 11 घंटे का सफर शुरू। हम लोग पहुंच चुके हैं पेरिस में और अब यहां से 2.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम पेरिस टू बर्लिन। तो और अभी सफ़र बाकी है। बाप रे, ऐसा लग रहा है मैं कितना 2 दिन से फ्लाइट में बैठी हूँ, ऐसा फील हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है अभी चल के, है ना मम्मी, खड़े होके भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। चल बाहर निकल, फोटो खींचती हूँ तेरा। बस अब थोड़ी देर यहाँ पे लेओवर है, उसके बाद हम लोग दूसरी फ्लाइट से यहाँ से बर्लिन को निकलेंगे। ये हो गया ना।
पे लगे जो भी है। पहुंच गए, अब 2 घंटे के बाद ना हम एक फ्लाइट पकड़ेंगे और उससे जर्मनी पहुंच जाएंगे। अरे छोड़ना छोड़ना। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमको टर्मिनल 2F पे जाना है, जिसके लिए हमें ट्रेन लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो क्या रहा है। हाँ जी अच्छा, उधर भी हमको पहचान दे। देखो मैथिली जी जो हमारी मशहूर सिंगर है उनकी पूरी फैमिली है। क्या बात है, क्या बात है, बाप रे बाप। हम लोग ना मस्ती में चल के आ रहे थे लेकिन बोर्डिंग टाइम रियलाइज ही नहीं किया हम लोग इतना जल्दी है। हम लोग का बोर्डिंग ऑलरेडी 10 मिनट पहले चालू हो चुका है। वी आर रशिंग। यस एंड दिस इज पेरिस। फील नहीं हो रहा कि हम लोग बाहर आए हुए हैं, अभी जर्मनी आए हुए हैं, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद थोड़ा पता चलेगा। लेट्स गो। बाहर बहुत सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं जो हमें रिसीव करने के लिए आए हैं। नमस्ते। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं बाहर, एयरपोर्ट से बाहर, और यहाँ पे पता चल रहा है। और फाइनली हमारे साथ अंजना जी हैं, गुंजन जी हैं, श्रद्धा जी हैं, और ये सब आए हैं हमें रिसीव करने के लिए न्यू टू की तरफ से। बिल्कुल।
बेटा, जंस है वुडन बी सो फील प्रॉब्लम है होम। कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाह, लेकिन मैं कितनी खुश हूँ अंदर से, मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना सुंदर लग रहा है यहाँ का स्ट्रीट्स, यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है, जो आप घर देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाई नहीं अभी तक, लेकिन मैं ब्लॉग जब बनाऊंगी यहाँ पे घूम घूम के तब आपको दिखाऊंगी। और मुझे ये बहुत जगह घुमाने वाली है। जरूर जरूर मैथिली। और मम्मी आप थक गए कि अभी एनर्जी है, मैं तो बिल्कुल भी नहा धो के फिर निकल जाऊंगी अब। सच्ची बिल्कुल, मैं ये देख के आ गए फाइनली। ये हमारा मन था कि हम अपने घर में वो बनाएं डबल डेकर बेड, यहाँ पे वो है। और पता है स्टेफन मुझसे कहता है अंजना पता नहीं वो लोग सो पाएंगे ऊपर की नहीं, अच्छा है छोड़ दो वो मजे लेंगे, इंडिया में इस तरह का जल्दी नहीं होता है। अच्छा हमने यहाँ पे ट्यूबलाइट्स नहीं होगी। हाँ हाँ चल, ये वाली लाइट्स जो है वो अच्छी लगती है और दिन में पूरा एकदम कलरफुल आएगा, हर जगह होगा। हाँ हर जगह से लाइट ऑन कर दी हम लोग अभी खाना लेने के लिए बाहर निकले, और मैं खाना लेने के लिए बाहर निकली हूँ तो इतनी एक्साइटेड हूँ। और वो भी बस 200 ही मीटर था, पैदल चलने को भी इतना नहीं मिला। कल से हम लोग घूमना शुरू करेंगे पूरा। तो हम यहाँ पे खाना, हाँ हम यहाँ पे खाना लेने में जबरदस्ती आई हूँ दीदी के साथ। मुझे सब बोल रहे थे आराम करने के लिए, और यहाँ आकर भैया लोग कहाँ हैं? वो दोनों मतलब छोटा वाला भाई क्वारंटीन में है। मिले अंकल से, अंकल तो आते हैं हमसे पूछते मैडम जी कैसे हो आप। अब जानते हैं ये अच्छा लगा। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं अच्छा लगा मुझे। नहीं से आप हमारा ना आपने वो भी गाया, क्या बोलते हैं उसको, मंगल गीत। मंगल गीत क्या जर्मनी में मांगल गीत इन्होंने वहाँ पे सुने। वाह यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, और अच्छा लगा मुझे देख के सब इधर इंडियन से। हमारे बीच रेस्टोरेंट है। नमस्ते। बढ़िया है, आप खुद ही आ गए हमारे रेस्टोरेंट में। मजा आ गया, लोटस खिल गया, लोटस खिल गया। ये हाँ रेस्टोरेंट का नाम है लोटस। आपका नाम सुनी मैं भी, अंजना। अंजना जी से मिथुन मेरा प्यारा बच्चा है। क्या बात है, पापा हमारा ब्रोशर देख रहे हैं। ओह माय गॉड, देखिए मेरे नाम का ये लोग के हाथ में जाएगा और सब देखेंगे। क्या बात है, मैथिली ठाकुर लाइव इन कॉन्सर्ट 25th of September 2021 इंडो जर्मन फिल्म वीक एट बेबिलोन। क्या बात है, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। हम लोग यहाँ पे कोई होटल में नहीं ठहरे हैं क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय रुकने वाले हैं, तो हमने सुंदर सा हमारे लिए इन्होंने अपार्टमेंट बुक किया है। और ऐसा लग रहा है देखिए, जैसे दीदी हेल्प कर रही है ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ पे घर बसा रहे हैं अपना, ऐसा ही फील हो रहा है। और आंटी ने कहा है कि पहली चाय ये बनाएंगे, उसके बाद ऋषभ बना के पिलाएगा। ओ हो सब व्लॉग देखे हैं। मुझसे कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा, कप कप आ रही हूँ। तब से मैं होल्ड की हुई थी। नहीं ठंडी लग रही है। अब खिड़की बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं चलेगा, चल गया शेयर आ रही है। अरे आप खड़ी हैं, आप पीते हैं चाय? नहीं सिर्फ मम्मा पीती है। उन लोगों के लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ, और मैंने देखा है कि मैंगो शेक बहुत पीते हैं मन से। मैंगो शेक नहीं, बनाना शेक, दोनों बनाना शेक लेके आई हूँ। एक बार और यहाँ पे थूरने के लिए है नहीं कुछ, यहाँ सेब से अदरक थूर रही है। सेब खराब कर देगी, उसको कुछ भी नहीं डालने दो। कुछ भी हो चाय प्रायोरिटी है, उसके लिए हम कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। इंडियन लोग ना इसलिए फेमस क्यों है बताइए? जुगाड़ के लिए। जुगाड़ के लिए, और जुगाड़ का कोई ट्रांसलेशन भी नहीं है, जुगाड़ जुगाड़ ही है। वाह ये सही है।